हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू नाइट नीट पर। तो हम लोग लेकर के आए हैं आज कौन सा चैप्टर मैम? मैम सर, फिफ्थ चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें टोटल पैराग्राफ्स हैं 17 और यस सर, टोटल क्वेश्चंस जो हम लोगों लेकर के आए हैं वो है 23। 23। तो सर वेटेज देख लेते हैं। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रिंसिपल का ही पार्ट है, जी बट हाँ, इसमें डीएनए के बारे में बताया गया है। तो 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, 21 में सर 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, वेरी गुड। 22 में 7 और 23 में 8 चैप्टर। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जी चैप्टर। तो सर पिरामिड देख लेते हैं। पिरामिड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं आपके 117, 107, 108, 116, 99, 100, 109, 112, 121 एंड 122। ओ तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपको डीएनए के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड कंटेंट है। अभी इसी में डिप्लॉइड करके भी पूछ सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। नेक्स्ट पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो बताया गया है कि दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे कि हमने उन्होंने बायो मॉलिक्यूल्स में भी बताया। प्यूरिंस, प्यूरिंस में आपके आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पाइरिमिडिन जिसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। थायमिन आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में एंड यूरेसिल आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में। साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए जैसा कि बताया, एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है वो है द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टूगेदर 3.5, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो सर क्वेश्चन हमारे पास, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। तो प्यूरिन्स हैं कौन से? एडेनिन और गुआनिन, और डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। डिफरेंस कहां पर होता है? पिरिमिडिन्स का। थायमिन और यूरेसिल, थायमिन डीएनए में होगा, यूरेसिल आरएनए में, जैसा कि मैं हमने अभी आपको बताया। इसके बाद ये अरविंद चारगाव का रूल दिया हुआ है, ये किसके लिए है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही अप्लाई होगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन्स, मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? साइटिन साइटोसिन प्लस थाइमिन। और अगर इसको इसके तरह से लिखा जाए एडेनिन और थाइमिन, तो इनका भी नंबर मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, तो गुआनिन अपॉन साइटोसिन ये भी क्या होगा? 1। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अरविंद चारगाव रूल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? एज टी, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है साइटोसिन से। इसके बाद इन्होंने ये यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिखाया हुआ है। सेंट्रल डॉगमा क्या है? मतलब प्रिंसिपल, मेन रूल क्या है इसका? तो यहाँ पर डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन, तो ये इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन तक किसके थ्रू? एमआरएनए के थ्रू इस तरह से ट्रेवल करेगी। इसी को बोला जाता है सेंट्रल डॉगमा, और ये प्रपोज किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। और ईयर पूछा गया है बच्चा 2013, 14 और 21 में, तो मतलब रीसेंट ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछी है कि एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन। तो बच्चे जैसे कि सर ने आपको बताया, ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसके बाद द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए टू सी। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और प्रपोज किसने किया है? फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए कैसा होता है? ये निगेटिवली चार्ज होता है, हेल्प विद इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स,
that have positive charge in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. और ये कौन सी प्रोटीन होंगी, ये नॉन स्टोन प्रोटीन्स होंगी अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है. इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ से यूकैरियोट्स का दिया हुआ है, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स जिनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो हिस्टोन प्रोटीन्स ही एबसेंट होंगी प्रोकैरियोट्स में. और हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं, ये बेसिक अमाइनो एसिड रिच हैं. और बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन एंड आर्जिनिन. और हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. हिस्टोन ऑक्टामर जो है H2A, H2B और H3 और H4. तो ये टोटल 8 यूनिट्स हो गए हिस्टोन ऑक्टामर, इसी को बोला जाएगा. नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो H2A, H2B और H3, H4 है, इसके ही चारों तरफ ये हिस्टोन डीएनए का रैप होगा. तो डीएनए का जो रैप होगा इसके साथ हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, इसी को बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम. और न्यूक्लियोसोम में डीएनए के बेस पेयर्स कितने होंगे, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट होंगे. न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग में बीड्स, जैसे मोती की माला होती है तो उसमें मोती क्या है, ये बीड्स हैं. तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा. और ये 2011 में और ये 2022 में और 2010 और 2023 में पूछा गया है. और सर ये पूरा पैराग्राफ जो यहाँ पे दिया गया है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 21, 22, 23 में यहाँ से क्वेश्चन बना है. फिर नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स इन ए टिपिकल न्यूक्लियस, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड जिनको बोला जाएगा यू क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेंस डार्क इसको बोला जाएगा हेटरोक्रोमेटिन. तो यू क्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वेयर एज हेटरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव. इसके बाद ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वन, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियॉइड. तो न्यूक्लियॉइड वो रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. तो सही दिया हुआ है पॉजिटिवली, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज डीएनए दिया हुआ है. तो डीएनए कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम. तो ये सही दिया है. तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. सर ये 2022 का 23 का क्वेश्चन है. ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. यू क्रोमेटिन अभी हम लोगों ने देखा था कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है. तो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होगा सही है. हेटरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, एक्टिव गलत दिया हुआ है. हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाई निगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, सही है, रैप्ड बाई निगेटिवली चार्ज. और हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे तो लाइसिन एंड आर्जिनिन. और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर, नहीं यहाँ पर 200 बेस पेयर. तो आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी. नेक्स्ट है हमारे पास, ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड एबल टू R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. और ये क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था ये बताना है, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे यूज किया गया था आपको ये भी यहाँ पे बताना है. और यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है 2014 में. और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, द DNA इज जेनेटिक मटेरियल. DNA इज जेनेटिक मटेरियल मतलब परफेक्ट प्रूफ किसने दिया था, तो प्रूफ किसने दिया था, हर्शी एंड चेज ने. इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस का यूज किया था. तो इनके पूरे एक्सपेरिमेंट में 3 पार्ट होते हैं. उसके बाद इन्होंने बताया था अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. और ये सीधी सीधी डायरेक्ट लाइन 2023 में पूछी गई थी. तो ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आधा आंसर इनका यहीं पे मिल गया. किसने दिया था, ग्रिफिथ ने. लेकिन आधा आंसर आपको बताना है कि बैक्टीरिया कौन सा यूज किया था और किस टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब प्रूफ की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है किसने बताया था, हर्शे एंड चेज ने। नेक्स्ट है सर हमारे पास आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। आरएनए जो होगा जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करेगा और कैटलिस्ट की तरह भी। जैसे हम लोगों ने पता है राइबोसाइम 23S राइबोसोमल आरएनए, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है ये राइबोसाइम का काम करता है, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल आरएनए। बायोकेमिकल रिएक्शन दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स, बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव। इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले किसने, मेसेलसन एंड स्टाल ने प्रूव किया था, और इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था और ऑर्गेनिज्म ई कोलाई यूज किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, जो एप्लीकेबल नहीं है, जो लागू नहीं होगा, तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, ये तो प्रेजेंट होते ही है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, चरगाफ रूल, चरगाफ रूल हम लोगों ने अभी बताया था, ये किसके लिए, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होगा ये। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम बस परफॉर्म्ड ऑन वीसीएफ फेबा फेबा बीन्स बाय टेलर एंड हिज कलीग्स 1958। और ये इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्रोमोसोम में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा वो भी, क्रोमोसोमल जो रेप्लिकेशन है वो भी कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव। एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम के बारे में दिया हुआ है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, 5' to 3'। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस, देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ईकोलाई वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, और इसे क्या बोला जाएगा, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन है, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, और तो सर ने अभी बताया आपको किन बीन्स पे किया था, वीकिया फावा, फावा बीन्स, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, कल ही हम लोग ने लेक्चर में बताया था टीएच मॉर्गन। ड्यूरिंग डी एन ए रेप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू एलोंगेट, तो ये रेप्लीकेशन फोर्क है, रेप्लीकेशन फोर्क में एक 3' to 5', और एक ये 3' to 5'। तो यहाँ पर जो ये टेम्प, जब ये वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में इलांगेशन होगा, तो ये इसको हमेशा जगह आगे मिलती रहेगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुलता चला जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक बन चुका होगा और इसके बाद जब ये और ऊपर खुलेगा तो इसकी सिंथेसिस यहाँ पर फिर से होनी होगी, तो ये इसको बोला जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड और इसको बोला जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो लैगिंग स्ट्रैंड में बनेंगे, और ये किधर, ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है और ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, तो करेक्ट आंसर होगा लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in one direction, that is 5' to 3'. The strand that has the polarity 3' to 5' act as template and is also referred to as template strand. The other strand which has the polarity 5' to 3' and the sequence same as RNA is displaced during transcription. Strangely, this strand is referred to as coding strand. तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया, ट्रांसक्रिप्शन में ये दो स्टैंड्स हैं जिसकी पोलैरिटी 5' to 3', ये कोडिंग स्टैंड, इधर प्रोमोटर होगा, इधर ये टर्मिनेटर होगा और बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स, तो इसको बोला जाएगा कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो सिक्वेंसेज होंगे एमआरएनए के सिक्वेंसेज भी वही होंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये डीएनए का स्टैंड है और ये एमआरएनए जो बना है, तो एमआरएनए में थायमीन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल होगा, अगर यहाँ पर थायमीन है तो यहाँ पर यूरेसिल, बस इतना डिफरेंस है। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, तो हम लोगों ने देखा प्रोमोटर और टर्मिनेटर ये किसको, स्ट्रक्चरल जीन जो यहाँ पर है इसको घेरे हुए, तो फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एज अ सेगमेंट ऑफ डी एन ए फॉर कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक,
तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉन मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, और मोस्टली किस में प्रेजेंट है, ये यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक एमआरएनए बनेगा और वो कई सारी प्रोटीन्स बनाएगा, तो ये किस में प्रेजेंट होगा, ये प्रोकैरियोट्स में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स, पी से पी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग अगर ट्रांसक्रिप्शन में होगी तो डीएनए पॉलीमरेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अभी हम लोगों ने देखा, टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगी, बट इंड्यूसर इज नॉट द पार्ट। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो कई टाइप के आरएनए आपके प्रेजेंट होते हैं, आर एम टी, और उनको बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं आपके, एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ऑल द थ्री आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तीनों की जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड आरआरएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देयर अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन बोलते हैं। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का भी यूज होता है वहां पे, जो एनर्जी देगा उसको। फिर उसके बाद इट इज समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यूस इलोंगेशन। ठीक है, फिर देखो आरएनए पॉलीमरेज से एक फैक्टर जुड़ेगा जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, तब आपका इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और जब आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ जाएगा तब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है सर हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 और 23 में यहां से क्वेश्चन बना है। वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके लिए भी बताया था, टी के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए, एफ 5SR आरएनए, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, सेकेंड किसके लिए बताया था, एमआरएनए के लिए। तो एमआरएनए में सबसे पहले बनता है HNRNA, फिर इसमें चेंजेस किए जाते हैं तब जाके बनता है आपका एमआरएनए। फिर उसके बाद क्या चेंजेस किए जाते हैं HNRNA में उसको एमआरएनए बनाने के लिए, तो स्प्लाइसिंग की जाती है, कैपिंग की जाती है एंड टेलिंग की जाती है। तो स्प्लाइसिंग का रोल होता है इंट्रॉन्स को हटाना, एक्सॉन्स को जोड़ना। कैपिंग में क्या किया जाता है, कैपिंग की जाती है किसकी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, किस एंड पे, 5' एंड ऑफ HNRNA। और टेलिंग में क्या किया जाता है, एडेनिलाइट रेसिड्यूज को जोड़ा जाता है 200 से 300, और कौन से एंड में, 3' एंड में। तो बस इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन है सर हमारे पास, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट, जो ट्रांसक्रिप्शन में बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ये राइबोसोमल आरएनए के लिए हो गया, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये एचएनआरएनए के लिए, ये फर्दर फिर प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए बन जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये टीआरएनए के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहले का दूसरा, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी, तो अगर पहला ही मैच कर लोगे तो भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल आरएनएज एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। तो सर ने अभी बताया था 23SRRNA फॉर प्रोकैरियोट्स एंड 28S फॉर यूकैरियोट्स। फिर फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो यहाँ पर जेनेटिक कोड्स में कोडॉन्स कितने हैं, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड, एंड 3 कोडॉन्स आर डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, और इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन्स या नॉनसेंस कोडॉन, मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है, मतलब जैसे बाकी जो है अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं तो उनका सेंस है। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। तो डीजेनरेसी तो होगी होगी क्योंकि 61 कोडॉन्स हैं फॉर 20 अमाइनो एसिड्स, मतलब एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किया जा रहा है,
तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी। कोडॉन इज रेड इन mRNA इन ए कॉन्टिगुअस फैशन। कॉन्टिगुअस फैशन मतलब कॉन्टिन्यूस फैशन में, जैसे यहाँ पर अगर एक डीएनए का सेगमेंट है तो यहाँ पर जो mRNA बनेगा, mRNA पर जो सीक्वेंस होगा इसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे, AUG CC CG CG। तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉन्टिगुअस फैशन कॉन्टिन्यूस। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, बैक्टीरिया से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट अगर एनिमल्स में बात की जाए कॉर्डेटा तक, सब जगह सेम। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू विल कोड फॉर फेनिलएनालाइन। सम एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोआंस में प्रेजेंट है। किसके एक्सेप्शंस हैं ये? यूनिवर्सल रूल के। AUG हैज डुअल फंक्शन, इट कोड्स फॉर मैथियोनिन एंड आल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, तो वो कब होगा? अगर बीच में जैसे यहाँ पर दिया हुआ इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजिशन, तो ये फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, फिफ्थ पोजिशन पर अगर जी आ जाएगा तो यहाँ पर सिक्वेंस जो आगे का होगा वो चेंज हो जाएगा। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम फिफ्थ पोजिशन, ये भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा। और इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन, ए और जी अगर फोर्थ और फिफ्थ पोजिशन पर है तो ये भी। डिलीशन ऑफ जी जी यू, एक दो तीन चार पाँच छः, तो जी जी यू अगर इसको पूरे को हटा दिया जाए तो कोडॉन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे और रीडिंग फ्रेम आगे का सेम रहेगा जो पहले था वही यहाँ बाद में भी। तो डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ पोजिशन विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सेपरेट ईकोलाई यूज किए गए थे और वो कर क्यों पाया था? क्योंकि जेनेटिक कोड कैसा होता है? नियरली यूनिवर्सल, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक यू क्या फेनिलएनालाइन के लिए कोड करेगा और इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स जो है। फिर द फर्स्ट फेज itself amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA. तो यहाँ पे बताया गया है translation के बारे में, और translation का पहला step होता है aminosylation, मतलब charging of tRNA. पहले tRNA को charge करोगे तभी तो वो आगे जाके protein का formation करेगा. In the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP. ATP का use होता है and linked to their cognate tRNA. A process commonly called as charging of tRNA और अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, और 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है. तो अभी बताया द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज होता है चार्जिंग का, मतलब अमीनोसाइलेशन. तो क्या बोलेंगे? अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. नेक्स्ट है सर हमारे पास द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज राइबोसोम. पढ़ा है हम लोग ने, राइबोसोम से ही हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. 2021 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है. फिर यहाँ पे देखो अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स, मतलब राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन. व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, कितनी सब यूनिट होती है राइबोसोम की? कितनी सब यूनिट होती है? दो, एक बड़ी एक छोटी, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट. तो स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले इनकाउंटर करती है इनकाउंटर्स एंड mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. फिर उसके बाद वो बोल रहा है the ribosome also act as a catalyst. अभी सर ने बताया था 23 sRNA in bacteria and 28 sRNA in eukaryotes. How many different proteins does ribosome consist of? कितने proteins present होंगे ribosome में? तो अभी underline किया गया था 80 different proteins. The lac operon बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ओपरॉन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? ओपरॉन इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स विच इज हैविंग कॉमन प्रोमोटर ऑपरेटर एंड रेगुलेटर. तो अगर इसका डायग्राम देखा जाए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स हो गई जेड वाई ए, ये इसका ऑपरेटर, ये प्रोमोटर और ये रेगुलेटर. तो ये इन सब के लिए कॉमन. तो यहाँ पर अगर इनहिबिटर की बात की जाए तो ये क्या है? ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा. रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर एमआरएनए के थ्रू बनेगी, और रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है तो
तो ये किससे जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा फिर वो आकर के यहाँ पर प्रोमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और आगे का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये कैसी होगी, ये ऑफ होगी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दिखाया हुआ है, इंड्यूसर के प्रेजेंस में, तो इंड्यूसर जब प्रेजेंट होगा तो ये रिप्रेसर से बाइंड करेगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगी तो ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगी, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो प्रोमोटर पर आएगा और उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करेगा जेड वाई ए। और चूंकि यहाँ पर मोनोसिस्ट्रॉनिक है तो सिंगल एमआरएनए बना और फिर ये डिफरेंट प्रोटीनसिस से, तो जेड किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई किसके लिए, परमीएज के लिए, और ए विल कोड फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। 2016 में पूछा गया है इसका इंड्यूसर कौन होता है, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज दोनों हो सकते हैं। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपरॉन कैन ऑल्सो बी विजुलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। रेगुलेशन ऑफ लैकोपरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि ये उसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव इंड्यूसिबल का एग्जांपल है क्योंकि इसको इंड्यूस किया जा सकता है इंड्यूसर के द्वारा। मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो सर ने बताया था जेड वाई ए, जेड किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई किसके लिए, परमीएज के लिए, ए किसके लिए, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और आई किसके लिए, रिप्रेसर के लिए। तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर विल बी सी। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोजोपरॉन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व्स द लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, तो अभी हम लोगों ने देखा ये किसका नेगेटिव और इंड्यूसिबल, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड करता है तो नेगेटिव हो गया और इसको इंड्यूस लेकिन किया जा सकता है, तो इसलिए नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल। फिर मेथोडोलॉजीज यहाँ पर दी हुई है, ह्यूमन रिलेटेड है एचजीपी से सर, हाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, तो दो मेथड है, एक या तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स के द्वारा या फिर पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया जाए, बाद में फिर उसके रीजन्स को फंक्शन असाइन किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये दो अप्रोचेस दी हुई हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में उन जीन को देखा जाएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, तो इसी को बोला जाएगा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और 2023-2022 में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, अभी सर ने बताया जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. तो DNA fingerprinting का बेस क्या है, polymorphism, और ये कहाँ पर differences देखता है, ये repetitive DNA में। The bulk DNA that forms a major peak and other small peak are referred to as satellite DNA. तो अगर यहाँ पर इसको centrifuge किया जाए तो जो bulk DNA होगा वो एक peak बनाएगा और जो smaller DNA होंगे वो अलग पीक, तो इन्हीं को बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए का में क्या होगा, रिपीटेशन। तो एज पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म। फिर इसके बाद यहाँ पर VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के बारे में दिया हुआ है। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स मतलब अगर एक सेगमेंट लिया जाए तो यहाँ पर अगर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, ये और ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं लेकिन ये कॉन्टैक्ट में, तो इसको बोला जाएगा टैंडम रिपीट्स। टैंडम मीन्स कॉन्टैक्ट, तो VNTR यूज किए जाते हैं। और इसमें कौन सा, मिनी सैटेलाइट। ए स्मॉल DNA सिक्वेंसेज आर इन टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। फिर सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स एंड इज सेम नहीं है, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, तो सेम नहीं होगा क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म उसका आधार है। तो शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में अगर डिफरेंट सेल्स भी यूज़ किए हैं तो सेम डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, लेकिन पॉपुलेशन में
गेट डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है फिर वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आंसर होगा वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो सर यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस हो गए हैं, एनएलआई वर्सेस नीट देख लेते हैं। तो सर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था सेंट्रल डोगमा का, मैंने बोला था कि सेंट्रल डोगमा 2021 में पूछा भी गया है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन सेंट्रल डोगमा का हमने भी अपने टेस्ट सीरीज में नीट T6 में पूछा था। नेक्स्ट है सर हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो यहाँ पे उसके फंक्शंस के बारे में बताया, हमने फंक्शंस दे दिए थे कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इनको पॉलीमराइज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, रेपिटेटिव डीएनए, सेटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट है सर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, एंड सेम टू सेम स्टेटमेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है सर हमारे पास परसेंटेज, परसेंटेज अगर देखें इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, तो अगर सर वहां पे देखें हम लोग तो फाउंड दैट 30 द सेम टू सेम क्वांटिटी से भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे सर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है हिस्टोन्स के बारे में, और वहां पे भी सर हिस्टोन्स के बारे में हमने पूछा था। नेक्स्ट है सर यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन, सेम टू सेम यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। नेक्स्ट है हमारे पास 1.1 मीटर अगर है डीएनए की लेंथ तो उसके बेस पेयर कितने होंगे, ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एनसीआरटी में 2.2 मीटर दिया है अप्रोक्स 2 मीटर, तो कैलकुलेशन आपको मीटर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेम टू सेम सेमी कंजर्वेटिव मेथड। नेक्स्ट 2023 में देख लेते हैं, तो ईएसटी सेम टू सेम ईएसटी वहां पे पहले ही ऑप्शन में हमने पूछा था। नेक्स्ट है सर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, मैचिंग में हमने तीनों तरह के पूछ लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, मैंने बोला था 2023 में डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बना था, तो किसने दिया था, हर्शे एंड चेज ने, और सेम टू सेम क्वेश्चन सर हमने वहां पूछा है अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास जेड वाई ए, सेम टू सेम जेड वाई ए इसके लिए कोड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, सेम टू सेम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस इज दिस दिस दिस, तो वहां पे जैसा आपको सीक्वेंस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए के फीचर्स के बारे में, तो सेम टू सेम रेफरेंस टू आरएनए। तो सर इतने क्वेश्चंस थे, इतने हमारे पास पैराग्राफ थे, उस सारे हम लोगों ने डिटेल में बच्चों को समझा दिए, और इसके साथ साथ अभी एनसीईआरटी 1 का भी पूरा डल चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, और एनसीईआरटी 2 की भी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये डॉक्टर एसपी सिंह सर का प्रयास है कि आपका जो टाइम है वो बचे और आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हैं उनको बहुत अच्छे से फोकस करके उनको रिवीजन करके अपना नीट का एग्जाम क्रैक कर सको। तो आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।